तो हेलो दोस्तों, आज हम इस सीरीज के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर कई सारे पार्ट नहीं डले हुए हैं, इसलिए हम इसे शुरुआत से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ही चैन पर जैंग हमला कर देता है और उसका कल्टीवेशन कोर तोड़ देता है, जिससे उसकी आंखें वहीं पर बंद हो जाती है। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ई चैन को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर से जाग जाता है, और उसके कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था। वो ई चैन से कहता है कि सीनियर ई चैन, शुक्र है आप जाग गए। एल्डर को आप ब्लैक माउंटेन के पीछे मिले थे, जहाँ पर आपकी सांसें चल रही थी, फिर एल्डर्स आपको यहाँ पर ले आए, लेकिन आपका, इस पर ई चैन पूछता है, लेकिन क्या मैं लकी नहीं हूँ जो अभी तक जिंदा हूँ। फिर ई चैन अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चल जाता है कि उसका कल्टीवेशन कोड टूट चुका है, जिसके बाद वो लड़का कहता है कि एल्डर वो ने आपको होश में आते ही हॉल में बुलाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जैंग यांग सेक्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर वो ई चैन से कहते हैं कि तुमने अपनी जान पर खेल कर अपना पूरा टास्क कम्प्लीट किया, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपने पास से कुछ पैसे ई चैन को देते हैं। ई चैन ये सब देखकर बड़ा हैरान हो रहा था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसको ये रिवॉर्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं, वो भी इतने मामूली से, सिर्फ पैसे ही, जबकि मैंने अपनी जान पर खेलकर उस मिशन को पूरा किया था। जिस पर वो एल्डर वो से पूछता है कि आखिर मुझे ये सिंपल से रिवॉर्ड क्यों दिए जा रहे हैं। जिस पर एल्डर वो कहते हैं, जिसका भी कल्टीवेशन कोर टूट जाता है उसे हम अपने सेक्ट में नहीं रखते। जिस पर ई चैन कहता है कि मेरा कल्टीवेशन कोर तो सेक्ट का मिशन पूरा करते हुए टूटा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन एल्डर वो उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन कोर अब टूट चुका है, वो कैसे टूटा कैसे नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर ई चैन गुस्से में कहता है कि एल्डर वो, आप बस इसी वजह से मुझे इस सेक्ट से नहीं निकाल सकते। जिस पर एल्डर वो कहते हैं कि सेक्ट ने तुम्हारी लाइफ बचाई, तुम वहाँ पर घायल अवस्था में पड़े हुए थे, हमने तुम्हारा इलाज किया और इससे हमने उस मिशन का कर्ज चुका दिया, और वैसे भी हमारे पास तुमसे भी अच्छे डिसाइपल्स मौजूद हैं। ये बात सुनकर ई चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के इतने सारे साल इस सेक्ट को दिए, पर इस सेक्ट ने मुझे क्या दिया, बस कुछ पैसे। ये बात सुनकर एल्डर वो को गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज कर देते हैं। जिस पर ई चैन कहता है कि मैं समझ गया, ये सब आपकी ही चाल थी, आपने शुरू से ही मेरा यूज़ किया, जिस सेक्ट में इतने मतलबी लोग रहते हो उस सेक्ट में मैं भी नहीं रहूँगा, और अब मैं इस सेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। फिर ई चैन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, उसका नाम निंग शोंग था। वो एल्डर वो से पूछते है कि क्या आप अभी ई चैन से बातें कर रहे थे, मैंने अभी उसकी आवाज़ सुनी। जिस पर एल्डर वो कहते हैं कि उसका कल्टीवेशन कोर टूट चुका है। ये बात सुनकर निंग शोंग ई चैन की चिंता करने लगती है और उसके पास जाने लगती है। जिस पर एल्डर वो उसे रोकते हैं और कहते हैं, भले ही तुम और ई चैन अभी रिलेशन में हो, पर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है जिसकी वजह से तुम शायद एक गॉडेस भी बन सकती हो, जबकि ई चैन का कल्टीवेशन कोर टूट चुका है और अब वो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। अगर तुम उसके साथ रही तो इससे ई चैन की लाइफ भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसे पाने के लिए कई सारे लोग तुम पर अटैक करेंगे, और अगर वो तुम पर अटैक नहीं कर पाए तो वो डायरेक्ट तुम्हारे पार्टनर पर अटैक करेंगे, जिससे ई चैन बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए अब तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी लाइफ बच सके। ये बात सुनकर निंग शुआंग थोड़ा सोचती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ई चैन को दिखाया जाता है जो कि हॉल से बाहर आ गया था, जहाँ कई सारे डिसाइपल्स खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर ई चैन मन में कह रहा था कि जब तक मेरे पास मेरी पावर्स थी तब तक ये लोग मेरी रिस्पेक्ट करते थे, पर जब आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो यही लोग आज मेरी बुराई कर रहे हैं। ये सब वो सोच ही रहा था कि तभी वहाँ ज़ाओ कैंग आ जाता है और ई चैन का रास्ता रोकते हुए कहता है कि ई चैन, आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर ई चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने जो काम किया था उसका सारा क्रेडिट तुम्हें मिला, और तुमने बल्कि मेरी सब जगह बुराई करी, अगर मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आ जाता तो आज तुम जिंदा नहीं होते। इस पर ज़ाओ कैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी वही ई चैन हो जिससे मैं डरता था। इतना कहकर वो उस पर अटैक कर देता है और ई चैन से कहता है, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, अब तुम सिर्फ एक यूजलेस पर्सन बन चुके हो। तभी ई चैन कहता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, जो सुनकर ज़ाओ कैंग उस पर अटैक कर देता है। फिर ई चैन कहता है कि ज़ाओ कैंग, तुम एक घटिया इंसान हो। फिर वो दोनों ही मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज करते हुए फाइट करने लगते हैं, जिसमें ई चैन ज़ाओ कैंग को नीचे फेंक देता है। इसे देखकर लोगों को यकीन नहीं होता। तभी ज़ाओ कैंग ई चैन को मारने ही वाला था कि निंग शुआंग वहाँ आ जाती है और ज़ाओ कैंग को रोक देती है, और वो ई चैन की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर ई चैन खुश हो गया था, लेकिन ज़ाओ कैंग खुश नहीं था। फिर ई चैन कहता है कि चलो कोई तो है जिसे मेरी चिंता है, निंग शुआंग तुम मेरी चिंता मत करना, मैं जल्द ही यहाँ पर वापस आऊँगा। जिस पर निंग शुआंग कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, और वो मन में अपने मास्टर की बातें याद कर रही थी कि अगर वो ई चैन के साथ रही तो इससे ई चैन की लाइफ खतरे में आ सकती है। फिर वो बोलती है कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, जिसे सुनकर ई चैन को बहुत गहरा सदमा लगता है, और वहीं ज़ाओ कैंग और सभी लोग
काफी खुश हो रहे थे ईशान की फूटी किस्मत देखकर। फिर ईशान भी गुस्से में कहता है कि ठीक है, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, दोबारा मुझे मत मिलना। और अब वो वहां से चला जाता है। तो क्या ईशान को कोई पावर्स मिल पाएंगी? वैसे मिलेगी, लेकिन इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए वेट कीजिए, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।